आमचा स्वानंद न्यूज चैनल सब्सक्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूज चे वीडियो सर्वात आधी आपल्या मोबाईल वर। कल्याण हे एक ऐतिहासिक वारसा लाभलेले शहर आहे। काळाच्या ओघात मात्र इथल्या इतिहासाच्या अनेक आठवणी पुसल्या गेल्या आहेत। 100 वर्षांपासून अधिक जुना असलेला इथला टांगा व्यवसाय हा कोरोनामुळे सध्या शेवटचा घटका मोजत आहे। कोरोना आणि त्यामुळे आलेल्या लॉकडाऊनने लहानांपासून ते मोठ्या उद्योगांपर्यंत सगळ्या व्यवसायांवर गडांतर आले आहे, ज्यामध्ये कल्याणमधील टांगा व्यवसाय ही मोठ्या प्रमाणात भरडला गेला आहे। टांगा व्यवसाय म्हणजे जुन्या कल्याणची विशेष ओळख आहे, मात्र कोरोनामुळे हा व्यवसाय सध्या अखेरचा घटका मोजत आहे। मार्च महिन्यांपासून बंद असणारा हा व्यवसाय अद्यापही सुरू झालेला नाही आहे। परिणामी टांगा चालक आणि पर्यायाने घोड्यांचीही अक्षरशः उपासमार होत आहे। लॉकडाऊनपूर्वी कल्याणमध्ये साधारणपणे 114 नोंदणीकृत टांगे होते। कल्याणचे रेल्वे स्टेशन हे टांगा व्यवसायाचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन आहे, मात्र अद्यापही सामान्यांसाठी लोकल प्रवास खुला नसल्याने आणि टांगा व्यवसायाला अद्याप परवानगी मिळाली नसल्याने आजच्या घडीला ही संख्या निम्म्यावर येऊन पोचली आहे। घोड्यांचा खाण्याचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक टांगा चालकांनी आपले घोडे विकून टाकले आहेत, तर 6 महिने उलटूनही अद्याप सर्वसामान्यांना लोकल व्यवसाय काही सुरू होण्याची चिन्ह दिसत नाही आहेत। तर लग्न समारंभ आणि इतर धार्मिक कार्यक्रमातून मिळणारे चांगले उत्पन्नही सध्या बंद आहे। सध्या आमच्या खाण्याचीच मोठी गैरसोय होत आहे। अशा कठीण परिस्थितीत घोड्यांचे पालन पोषण करणे अगदी जिकरीचे झाले आहे, त्यामुळे नाईलाजाने आम्हाला त्यांना विकायची वेळ आली असल्याचे उद्विग्न प्रतिक्रिया टांगा चालकांनी दिली। आपकी कितने घोड़े थे, टांगे चल रहे थे और अभी कितने है और अभी आप क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन से पहले 114 टांगे थे और तो लोग पैदल जाते टांगे अभी लोगों को लोगों ने सब बेच बाच किया, लोगों ने अपने घर की फर्जी थी ऐसी थी तो अभी खाली 15 टांगे रही है। आपके कितने घोड़े थे और आपने घोड़े? मेरे 7 घोड़े थे जिसमें से 5 मैं बेच चुका हूँ, 2 है बड़ी सी। क्यों बेचा? क्या करें, घर का भी चलाना है, फिर घोड़ों को भी खिलाना है और शादी के सीजन पे हमारा सब कुछ दारो मजा रहता था, वो भी नहीं और लोकल भी बंद, लोकल पे हमारा घर खर्चे निकलता था वो भी नहीं सब। मेरा नाम परवेश कावारी, 30 साल से टांगा चला रहा हूँ। 5-6 घोड़े थे मेरे पास भी, वो भी मैंने लॉकडाउन के सब बेच डाला। अभी 3 घोड़े 2 बग्घी है, ट्रेन चालू नहीं हो रही है, शादी का सीजन उसके ऊपर सब हमारा है, ये नहीं होंगे तो हमारी आगे और भुखमरी होंगी, उसके बगैर हमारा कुछ चारा नहीं। सरकार सिर्फ बोलती मदद करती मदद करती, सरकार ने अब तक हमको क्या दिया है? इसलिए अभी हम 1 महीना और देखेंगे, 1 महीने में लॉकडाउन भी डर खुला नहीं तो फिर हम लोग जो कुछ है हमारा बेच के उधर है, कुछ कर नहीं सकते। अभी घोड़े के भी खाने के वांदे, हमारे भी खाने के वांदे, हमारे बच्चे लोग को दवा दारू नहीं है, स्कूल बिस्कूल सब चीज़ से परेशानी है। अभी हमको हर चीज़ से जास्ती तकलीफ, हमारे खाने से जास्ती तकलीफ हमको घोड़े की खाने की है। हमारा घोड़ा कोई किसी ने हर सरकार सब नेता जितने कांग्रेस बीजेपी शिवसेना सिर्फ टीवी में बोलते हैं, हमको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ, हमारे पड़ोसी ने हमको दाना दिया, खाना दिया, कोई भी देगा तो कितना देगा। आज की दुनिया परेशान है, हमारी तकलीफ सरकार तक के पहुँचे। अभी टांगे बेचे काफ़ी और अभी कैसे आपका गुजारा चल रहा है? हमारे तो टांगे घोड़े अभी बेचना पड़ा है, अभी मैं भी आजकल में बेचने का विचार चला था, तो आजकल मैं घोड़ा गाड़ी बेचूँगा, चालू हुआ तो ठीक है, नहीं तो बेच डालूँगा गाड़ी घोड़ा मेरा भी। मैं देख रहा हूँ आज 15 दिन और कभी आज 15 तारीख लगा ले, वो हिसाब में मैं रुकाया घोड़ा, नहीं तो मेरा दूसरा कारोबार करने का विचार है टांगा घोड़ा बेच के। क्यों बेच रहे ये? लॉकडाउन के हिसाब में बेचना है, कुछ तो चालू नहीं, स्टेशन पे गाड़ियाँ खड़े नहीं रह दे रहे, पुलिस भी सता रही है, अंदर एंट्री नहीं दे रही है, उसकी वजह से बेचना टांगा। क्या बताया कि लॉकडाउन के पहले कितने टांगे थे यहाँ पर और अभी क्या सिचुएशन अभी टांगा चल रही है? हमारे 114 टांगे थे, 114 टांगे में से अभी कुछ लॉकडाउन के वजह से बंद हो गए, 2000 अपना मार्च के 22 तारीख से कुछ लोगों ने बेच के अपना घर संसार चलाने के लिए घोड़े सस्ते में उठा के बेच दिए। उसके बाद में बहुत परस्ती का सामना हम लोग ने उठाया, दाने वाले के 20-30 हज़ार रुपये दाने वाले के उधारी हो गई है, तो हम लोग देंगे कहाँ से? जब हमारे को कुछ सरकार से मदद या सुविधा मिलेगी तो हम लोग कुछ कोशिश कर सकते हैं। लोकल चालू ने लोकल के ऊपर पूरा हमारा धंधा है, लोकल चालू होगी तो ही हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कोबी का पाला डाल के हमारे घोड़ों की ज़िंदगी बसर किए, हमको किसी ने मदद किया वो राशन पानी खा के हमने हमारी ज़िंदगी काटी। ऐतिहासिक कल्याणची ओळख असणारा हा टांगा व्यवसाय आज नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे।
या व्यवसायाला वाचवण्यासाठी सरकारी दरबारासह इथल्या प्रतिष्ठित व्यक्तींनीही प्रयत्न केले पाहिजेत, तरच हा 100 वर्ष जुना व्यवसाय टिकू शकेल। अन्यथा मार्चपासून घोड्यांची थांबलेली टपटप पुन्हा ऐकण्याची कल्याणकरांना संधी मिळणार नाही। अभिजित देशमुख, स्वानंद मीडिया, कल्याण। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।